रीडर पेपर का यूज करके राम जी के लिए। तो ना मेरे पास ना अयोध्या के जो राम जी नए रखे गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, उसका फोटो था राम जी का। तो आज मैं उनको ऐसे ही रखा रखा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा उसका फ्रेम बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग की बुक नोटबुक का कार्डबोर्ड कट कर लिया है, और अब मैं इसके ऊपर ग्लिटर शीट स्टिक करूँगी, ग्लिटर शीट और कार्डबोर्ड स्टिक करूँगी, जिससे इसको और फ्रेम आ जाए, मतलब इसमें फ्रेम आ जाए, और बहुत मस्त सा हमारा ये फोटो फ्रेम बनके रेडी हो जाएगा। ग्लिटर शीट भी इसके ऊपर लगाएंगे तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। अब फोटो छोटा सा ही था और फोटो फ्रेम का छोटा मैं ऐसे ही रखना चाहती थी बड़ा, तो इसलिए मैंने कुछ इस टाइप सा रखा। और जब से प्राइम पिक्चर हुई है तो मैंने राम जी के रिलेटेड कुछ बनाया भी नहीं है, तो आज मैं फिर से मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं, फ्री है। बट अभी टेस्टेस भी आने वाले हैं, तो आपका पहला कौन सा टेस्ट है ज़रूर से बता देना। बहुत लोग तो स्टार्ट भी हो चुके हैं, मेरी फ्रेंड है वो भी उसके स्टार्ट हो गए हैं, बट अभी मेरे नहीं हुए, मेरे 9 से होंगे। और बहुत मज़ा आता है, इतना मज़ा भी नहीं आता है, ऐसा कभी कभी तो प्रॉब्लम्स भी आ जाती है बीच में, क्योंकि लर्न नहीं होता है है ना, बहुत का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बहुत कुछ का बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे मैंने ग्लिटर शीट को स्टिक कर दिया एज द मेजरमेंट ऑफ फोटो, और अब यहाँ से ना बीच में मैंने स्पेस छोड़ दिया था, हल्का सा स्पेस छोड़ देना, ये है हमारी राम जी की फ़ोटो, इस स्पेस में से मैं इसको अंदर डाल दूँगी और बिल्कुल भी हमारी ग्लिटर शीट हटेगी नहीं। आप चाहो तो स्टिक भी कर सकते हो, और हमारे राम जी को फोटो फ्रेम हो गया रेडी। बट इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे मिरर्स की हेल्प से, यहाँ पे मैंने हार्ड वाले मिरर्स और लीव्स वाले मिरर्स यूज़ करूँगी, और उसका फ्लावर बना दूँगी कॉर्नर्स में, और बाकी हमारी ग्लिटर शीट से बहुत चमक रहे थे राम जी, बहुत अच्छा लग रहा था। उस पर लिखा हुआ अभी था 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा फ़ोटो, और हमारे राम जी का फ़ोटो था। तो मैंने इसको अपने बाहर बालकनी में लगा दिया था, मतलब बालकनी में भी नहीं, अब लॉबी में लगा दिया था। बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, आपको लग ही रहा होगा इतना सुंदर था, बॉर्डरिंग करी हुई थी, बहुत मस्त लग रहा था, और मेज़रमेंट सारी अच्छी थी। बीच में से हमने फ़ोटो वो अंदर डाला, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और हमारे बहुत सारे चैलेंजेस की वीडियो आ रही है, अगर आपने वो चैलेंजेस की वीडियोस नहीं देखी, मैं हर चैनल पे स्टार्ट कर रही हूँ वीक सब्सक्राइबर ऑफ द वीक, तो इस पर भी जो अच्छा कमेंट करेगा, मेरी इंस्टा आईडी, मेरी फेसबुक आईडी, मेरी यूट्यूब आईडी को सब्सक्राइब करेगा, फॉलो करेगा, मैं सब्सक्राइबर ऑफ द वीक मानूंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर स्टिक कर दिए हैं, और यहाँ पे हार्ट के ऊपर लीफ स्टिक करते जाऊँगी, बहुत मस्त सा आ जाएगा इसमें व्यू। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा हो, और वीक मेरे को आप हर जगह जाके फॉलो कर लो, जिससे मैं आपको वीक ऑफ सब्सक्राइबर मानूँ। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा लग रहा था, फूल बन गया था, ऐसे आपको स्टिक करना है, और पीछे मैं हैंगिंग्स भी लगा दूँगी, हैंगिंग्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत मस्त लगता है। राम जी का फोटो भी बहुत मस्त लग रहा था इसमें बीच में, क्योंकि गोल्डन मतलब मैंने येलो शीट यूज़ करी थी, आप वाइट भी यूज़ कर सकते हो, ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, एज यू विश आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने हैंगिंग लगा दिया, अटैच कर दिए, और हमारे राम जी का फ़ोटो फ्रेम बनके रेडी हो गया है। आप बताना कैसे लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे थे वैसे भी, ऑब्वियसली सुंदर तो है ही, सुंदर लगेंगे। और बीच मैंने फ्लावर चिपका दिया, तो एज यू विश चिपका सकते हो, मुझे तो खास नहीं लगा, फिर मैंने चिपका दिया और अच्छा लग रहा था। अगर आई होप आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसी और क्राफ्ट वीडियोस देखने के लिए, और हमारे चैलेंज वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी मैंने लॉबी में कहाँ इनको हैंग किया था, ये मेरी लॉबी, पूरी तो लॉबी नहीं दिखा सकती, तो मैंने यहाँ पे इसको हैंग कर दिया था, बहुत मस्त लग रहा था इन, बहुत मस्त, क्योंकि पीछे वाइट वाला था। आप कोई भी वीडियो शीट का यूज़ करके बना सकते हो, आप कोई और फोटो भी लगा सकते हो, भगवान जी का ज़रूरी नहीं है राम जी का लगा, और कोई मतलब राम जी का और कोई बड़ा फोटो लगा सकते हो। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो उसको लाइक कर दो।